हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर अनदर व्लॉग। तो आज है संडे और अभी हम सो के उठे हैं सारे के सारे। और सुबह से ना मेरे को टाइम ही नहीं मिला, मैं सुबह सुबह ही शूट करती हूँ। सुबह व्लॉग शूट करने का टाइम नहीं मिला, तीन चार दिन से वैसे भी नहीं मिल रहा था। आप लोगों को पता है कि मेरा थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो उसी के लिए मैं थोड़ी सी बिजी चल रही थी। अभी भी मेरे हाथ में स्वेलिंग हो रखी है और सर पर लगी हुई है पीछे। ठीक है, तो अभी हम लोग एक काम करते हैं। सबसे पहले सुबह से मैं सफाई करती हूँ, शूट का टाइम नहीं मिला क्योंकि मेरी मम्मी ना बड़ा चिल्लाती है, इतना गुस्सा हो जाती है ना कुछ नहीं बता सकते। ठीक है, तो सबसे पहले अभी मैंने सुबह सुबह उठी हूँ, मैंने चाय भी पी लिया, ब्रश भी कर लिया। इस पर ध्यान मत देना क्योंकि मैंने ना इसमें भी एलोवेरा और ऑयल को ना मिक्स करके सर पे लगाया है। इससे क्या होता है, हमारे हेयर जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और जो फिजनेस होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग अभी चलते हैं, सफाई करते हैं फटाफट से। ठीक है, सफाई करने के बाद मैं थोड़ा सा कुछ नाश्ता करूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ओके, तो अभी बज रहे हैं दिन के 3:30 और मैंने नाश्ता कर लिया था। संडे को ना मैं ब्रश वगैरह करके नाश्ता कर लेती हूँ, नहा नहीं पाती वो अलग बात है, मेरा पानी अभी गर्म हो रहा है। ठीक है, तो फटाफट से मैं नहा लेती हूँ। नहाने के बाद आज मेरा इंटरव्यू था, मुझे इंटरव्यू पर जाना था, बट मैं बताऊँ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा जाने का, क्योंकि मैंने इतना सारा तेल लगा रखा और ऊपर से मैं इतना आलस आ रहा है ना मेरे को जाने में, सही बता रही हूँ घर से बाहर जाने में। तो अभी मैं पहले नहाती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि क्या है। सोऊंगी थोड़ी देर, नहीं तो चाय बनाऊंगी, नहीं तो कहीं बाहर घूमने जाऊंगी, नहीं तो पार्लर जाऊंगी, देखती हूँ कहाँ जाती हूँ। ठीक है, तो मैं नहाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सो गुड इवनिंग गाइस, अभी बज रहे हैं 6:30 और मैं नहा ली थी। नहाने के बाद ना मैं सो गई थी एक्चुअली, क्योंकि आज ना मैंने थोड़ा सा ना इसका भी ट्रीटमेंट है। किसी ने मेरे को बोला था कि ठंडे पानी में अगर आप ठंडे पानी के मतलब कटोरे वटोरे कुछ में मतलब किसी भी चीज़ में थोड़ा सा ठंडा पानी लेके अगर आप उसमें मुँह डालोगे 2 से 3 बार, मतलब 10-10 सेकंड का ये होगा, एक दिन में कम से कम ये आपको प्रोसेस जो है वो 3 बार करना है। तो मैंने वो किया था, तो उसके चक्कर से ना थोड़ा सा मेरे को ना मैं भूल भी गई थी कि मेरे को शूट करना है। ठीक है, तो अभी शाम के बज रहे हैं 6:30 और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे मैगी, मेरी सिस्टर ने चाय रेडी कर ली है। तो संडे को तो यार चीट डे चलता ही है, मतलब और लोग अभी कमेंट मारे कि आप जिम करते हो आप मैगी खाओगे। यार देखो, मन हमारा भी बहुत कुछ करता है खाने का, वही है कि मजबूरी है कि नहीं खा पाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग अपनी चाय और मैगी खाते हैं, देन उसके बाद आपसे मैं मिलती हूँ। तो मैगी जो है वो बनती किया, खाकर देखते हैं कैसी लग रही है, मैं ट्राई करती हूँ। मैंने ना इसमें साग भी डाला, कौन कौन अपनी मैगी में साग डालता है बताना कमेंट बॉक्स में। मस्त लग रहा है यार, मैंने इसे बथुए का साग डाला, दिखा देती मैं, ये देखो इसे मैंने बथुए का साग डाला। अच्छा लग रहा है, आप लोग भी ट्राई करना बथुए का साग, अगर भी कोई भी एक्स्ट्रा सब्जी हो ना तो एक बार मैगी में डाल के बनाने का ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा। और ये क्या करता है, इसमें जो हम इंग्रेडिएंट्स खाते हैं ना, जो मैगी का जो मसाला होता है ना उसमें कार्ब ज़्यादा होता है, तो उसको ना ये बैलेंस करता है। अगर हम ऐसे ग्रीन वेजेस वगैरह इसमें डालते हैं तो उसको चीज़ को भी बैलेंस करता है। और याद रहे मैगी में ना आप लहसुन ज़रूर डाला करो, ज़रूर। आज संडे है और हम लोग आए हैं पार्लर। पार्लर के अंदर आते ही पहली एंट्री इनकी होती है, ये अपनी पूंछ हिलाते हैं और इनका खेलने का मन करता है जोर जोर से। बस क्या हुआ, हाँ जी बताओ भाभी, अंदर नहीं आ रही गंदी बात, वो उसके चक्कर से अंदर नहीं आ रही। बांध दिया, ओए गंदी बात, ओए गंदी बात मारो नहीं, शैतानी करती है ये। क्यों भाग रही है इतना, अच्छा नहीं लग रहा है बंदे।
तो गुड मॉर्निंग गाइस, आप सबको मेरी क्रिसमस मेरी क्रिसमस। आज हम आपको अपने लड्डू गोपाल जी से मिलवा रहे हैं, ठीक है। और मेरे लड्डू गोपाल जी देख क्यूट, इतने क्यूट लग रहे हैं ना, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देना मम्मी, ये देखो ये मेरी मम्मी के हाथ में है। बराबर बनाते हैं तो ज्यादा सुंदर लगता है, लेकिन ये वाला सही लगे। मेरी क्रिसमस सबको, ठीक है। मेरे लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। ये तो लगा कोई वाइफ, ये ना मेरी चाची की लड़की है, ठीक है। हाई कर दो पुच्चू। क्या नाम है? कौन सी क्लास में पढ़ती है? फर्स्ट। मैं कैसी लगती हूँ? कितनी अच्छी? बहुत। कितनी अच्छी? बहुत। बता कितनी अच्छी? बहुत अच्छी। किसी का कहता नहीं, स्वाद नहीं आया, दोबारा कर। हेलो, पापा बहुत शोर करते हैं, इसीलिए अभी हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग भी एक छोटा सा केक कट करवा ले अपने लड्डू गोपाल जी के हाथ से। तो चलो केक कट करवाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं किचन में, ठीक है। तो हम लोग ना मूंग दाल का हलवा भी बनाया मेरे घर पे, क्योंकि आज ना तुलसी पूजन है ना, तो इसलिए मूंग दाल का हलवा बना। तो मूंग दाल का हलवा गरम करती हूँ। वैसे आज खाने में कड़ी बनी थी और ये कड़ी के पकौड़े रखे हैं, ठीक है। तो मूंग दाल का हलवा गरम करती हूँ। रखा गए यार, पहले ढूंढ लेते हैं रखा गए। इसमें तो दूध है, अरे क्या क्या कहाँ कहाँ रखा है। हलवा बना है तो जैनमैन ही बना होगा, विदाउट जर्मन चीजें तो मेरे घर बनती नहीं है। ओ मिल गया हमको हलवा, मिल गया। तो हलवा जो है बहुत स्वाद होने वाला है, मुझे पता लग गया यार। मूंग दाल का हलवा बनाने पूरे 4 घंटे लगे थे मेरी बहन को। चलो इसको गर्म करते फटो पापा यार। मूंग दाल और वो दूध पूरा टाइम कैसा बना पापा? मेरे खाना ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं मीठी चीजें। मीठे ना मीठे लोग पसंद है ना मीठी चीजें। मम्मी पापा को इसका मतलब पसंद आया। चलो यार रात हो रही, सोने का टाइम हो रहा है, कल से मेरे को ऑफिस जाना है। सो आज का व्लॉग गाइस मैं यहीं पे एंड करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो ज्यादा से ज्यादा यार, शेयर करो। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।